नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का एक बजने वाला है, एक ही बज गया, 5 मिनट रहेगी और मैं बनाऊंगी खाना। और खाना जैसा कि आपको पता, आज दिन है मंडे और बच्चों का क्या, गुड्डू का लास्ट पेपर है, तो आज वो स्पेशल फरमाइश करके गई है कि मम्मी आज कुछ अच्छा सा बना बना लेना, आपने बहुत दिन हो गए नहीं बनाया। तो अच्छे से कहा तो उसका एक ही मतलब है कि उसे एक स्पेशल सब्जी खानी है, और उसे पता ही है मुझे कि क्या खाना उसको सबसे ज़्यादा पसंद है, पनीर की सब्जी। तो मैंने सोचा चलो आज जैसा कि उसके पेपर ख़त्म हो रहे हैं, काफ़ी दिन से मैंने कुछ ऐसा बनाया भी नहीं, बच्चों को दिया नहीं, उनके हेल्थ की वजह से मैंने कहा कभी कुछ दिक्कत ना हो जाए इस वजह से। तो यहाँ पे आज मैंने पनीर मंगा लिया और अब मैं बनाऊंगी, कन्हैया भी लेके आया सामान। और आज मैंने, हर बार ना हम यहाँ पे डेयरी है तो खुले वाला पनीर मंगाते हैं, लेकिन आज मैंने पैकिंग वाला मंगाया। इसके पापा कह रहे कि ये ट्राई करके देखना, क्योंकि उस वाले को वे खाते नहीं, वे कहते हैं कि ये शायद अच्छा नहीं है, इस बार इसे देखूंगी बना के, अगर ये अच्छा निकला तो फिर यही मंगा ले करूंगी। तो अभी कन्हैया ये लेके आया, 2 पैकेट है ये वेप का के, 200 200 ग्राम के शायद, और ये इनके साथ दही भी आई, तो दोनों काम हो गए, 2 इन 1। और थोड़े से मैंने मटर मंगाए और टमाटर मंगाए, और बस ईशु तो जल्दी आ जाएगी, गुड्डू लेट ही आएगी, गुड्डू शायद 3 बजे तक आएगी, गुड्डू को बाद में लेने जाएंगे, ईशु अभी आ जाएगी। तो मैं सोच रही जब तक ईशु आए तब तक मैं खाना बना के तैयार कर दूँ। और आपको बता दूं, कन्हैया जैसा गांव में गया था तो गांव में से आया, उसकी तबीयत थोड़ी डाउन है, फीवर हो रहा उसको, कोल्ड भी है फीवर भी। तो कल भी वो दवाई लेके आया था, परसों जब गांव से आया था, लेकिन उसे ज़्यादा आराम नहीं हुआ। और आज भी उसको जाना था डॉक्टर के यहाँ, तो मैं पूछ रही पता नहीं क्यों नहीं गया, ये आ गया दुकान से। कैसी है अब तेरी तबीयत? बुखार नहीं है, वीकनेस है, वो ही हो रहा है, बुखार ने तोड़ दिया बिल्कुल, सांस चढ़े बहुत ज्यादा एकदम। ये दवाई तेज लेने वजह की वजह से भी हो गया सांस? हाँ नहीं, अगर हम चेक करके और देख लगा, आज मंडे है इसलिए दुकान वो खुला नहीं, डॉक्टर अच्छा चंडीगढ़ वाला बंद है। इस कैसे लेके आइए, देसी वाले कैसे आज, क्यों कृष्णा वाले कैसे, क्या कुंज बिहारी वाले से? तो मुझे लगे जैसा यह सांस से की दिक्कत हो ना, या ना तेज दवाई खाने से भी हो। मुझे एक दिन तेरे भाई ने स्टोर पर से दवाई ला कर दी, जब मेरा हो रहा था मैंने एक ही खुराक खाई, उसमें मैं इसी तरह 2 दिन परेशान रही, सांस सा चढ़ा रहा, फिर मैं इसके सही लाई थी कुंज बिहारी वाले से। ये ज्यादा तेज नहीं देता दवाई, ये खा, ये तेज दवाई की वजह से भी हो गया, और पानी पी ज्यादा से ज्यादा। नारियल पानी 2-3 पी लिए मैंने, लेकर आऊंगा और। हाँ वो खाने पीने का ही हुआ है, यो एक बार हो जाना। ये आजकल ऐसा चल रहा कि वैसे देखो फीवर नहीं है, बॉडी में अंदर अंदर है वह, है ना, ऐसा ही हुआ है। और जब थर्मामीटर से चेक करो तो आता ही नहीं बुखार, और यूं लगे कि बुखार हो रहा, पेन सारा हो जा बॉडी में, क्योंकि पहले मेरा रहा, इसके पापा का भी ऐसे ही हो रहा, और कन्हैया 3 दिन हो गए इसको भी ऐसे ही हो रहा, मौसम की वजह से हो रहा है, मौसम कभी गर्मी और कभी ठंड, इस वजह से हो रहा। चलो फिर शाम को ही खुलेंगे, तो डॉक्टर शाम को ही ले आइए दवाई है। तो बहन जी मैं बनाती हूँ खाना, तैयारी करूँगी खाना बनाने की फटाफट से, और बस बच्चों के आने तक होता है कि मेरा मैं बना दूँ। यहाँ मैंने ये मटर निकाल लिया, टमाटर काट लिए, प्याज चॉप कर लिए है, और अब सबसे पहले मैं ये मटर रख दूंगी हल्के से बॉईल करने, ये मुझे मैं इन्हें कुकर में रख देती हूँ, तब तक ये टमाटर और प्याज पीस लूँ, थोड़ी देर बस करूंगी बनाने की तैयारी। देखिए जी, सबसे पहले मैंने रख दिया है मटर बॉईल करने के लिए, हल्का सा एक प्रेशर एक लगवाना उसमें, और उसके बाद बस अब करूंगी मसाले तैयार। जो प्याज और टमाटर मैंने चॉप किए हैं उनको मिक्सी में पीस लूंगी। कभी कभी जैसा भले ही हम मसाले बोई डालें, लेकिन थोड़ा सा हम अपना खाना बनाने का जो थोड़ा सा चेंज कर दें जैसा मेथड, तो उससे भी हमारा टेस्ट भी चेंज हो जाता है, और खाने में अलग ही स्वाद आता है, मतलब खाना भी अलग तरीके का ही बनता है। तो यहाँ मैं कभी प्याज चॉप करके डाल देती हूँ, कभी मिक्सी में डाल देती हूँ पीस के, कभी चॉपर में, तो उससे ही बहुत फर्क लगता है खाना का, तो थोड़ा टेस्ट सा चेंज हो जा तो उसी में ही अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए मसाले आज मैंने मिक्सी में तैयार कर लिए पीस के, उसके बाद कढ़ाई चढ़ा ली, कढ़ाई में तड़के का आपको पता ही है मेरा नॉर्मल तड़का ही होता है,
और यहाँ पे बस मैं हल्दी नमक ना सॉरी जीरा धनिया डाल के प्याज डाल दी, तड़के की मिर्च डाल दी, उसके बाद प्याज को खूब अच्छे से भून लिया और उसके बाद फिर मैंने डाल दिया टमाटर। टमाटर में फिर डाल दूंगी सूखे मसाले, और मसाले मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाले, सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी और धनिया पाउडर, बस इसके अलावा मैंने कोई भी मसाला नहीं डाला। लेकिन सब्जी का जो टेस्ट था तो आप समझ सके कि होटल भी फेल था, आज इतनी टेस्टी सब्जी बनी थी। पर थोड़ा सा बनाने का तरीका हम चेंज कर दें तो वही बहुत मतलब अलग हो जाता है सब्जी। और मैं सोच रही थी पहले, मन का सोच ही रही थी आज मन का थोड़ा अच्छा सा करके बनाऊंगी बच्चे जिससे कि खुश होके खा लें, लेकिन वाकई बहुत अच्छी बनी थी। तो जब तक हमारी टमाटर की ग्रेवी पक जाएगी तो तब तक मैंने पनीर भी काट लिया। और जैसा आप बोलते हो कि वो ले लो चॉपर ना, वो क्या नाम जिस पर सब्जी काटते हैं, बोर्ड, चॉपिंग बोर्ड, तो वो भी मैं सोच रही कि लूंगी मैं, फिर स्लेब साफ करके उस पर ही काट लेती हूँ पनीर। और यहाँ पे बस काट के तैयार कर लिया। और सबसे ज़्यादा मेरा ज़रूरी है सब्जी बनाने का, अगर मैं आपको अपना एक मतलब वो बताऊँ क्या है कि मैं ना हर चीज़ को बहुत अच्छे से पकाती हूँ, ये नहीं है कि एक बार में ही सारी चीज़ें डाल दी। अगर हम अलग अलग करके सारी चीज़ों को अच्छे से पकाएंगे तो उस सब्जी का रिजल्ट अलग ही आएगा। तो यहाँ बस टमाटर अच्छे से पक गए जब तक कि तेल ना छोड़ दे, उसके बाद फिर मैंने डाल लिया है दो बड़े चम्मच के लगभग मलाई। और पनीर की सब्जी, चाहे मटर पनीर बना लो कढ़ाई पनीर कुछ भी, तो उसमें मलाई डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे उसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो मलाई मैंने पकने के लिए छोड़ दी थी, उसके बाद फिर दो चम्मच मैंने दही डाल दी। और यहाँ पे देखिए ग्रेवी हमारी पक के तैयार होगी। जब तक कि ये पूरा इसका जो घी सा है ऊपर अच्छे से नहीं आ गया तेल सा, जब तक मैंने पका ली। और यहाँ पे बस लगभग एक बार को पकने में 4 से 5 मिनट आराम से लग जाते हैं, ये नहीं है कि फटाफट हो जाता है, टाइम जरूर लगता है, कुछ भी अच्छी चीज़ बनाओ थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन जब बनने के बाद उसका रिजल्ट आता है वो बहुत खुशी मिलती है, उसे वो मेहनत पता लग जाती है कि हाँ लगी है। तो उसके बाद मैंने मटर डाल के मिक्स कर दिया, फिर मैंने पनीर डाल दिया। और अभी थोड़ी सी देर मैं इस पनीर को ऐसे ही छोड़ दूंगी, पका दूंगी ग्रेवी के अंदर, जिससे कि जो सारा मसालों का टेस्ट है अंदर तक चला जाए। तो थोड़ी सी देर जब ये पक जाएगा फिर मैं इसमें डाल दूंगी पानी। आप चाहे तो इसमें दूध भी डाल दो, पानी भी डाल दो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं पानी डालूंगी, दूध नहीं डालूंगी, क्योंकि कहते हैं कि नमक में अगर दूध डाल देते हैं वो नुकसान देता है। वैसे तो थोड़ी सी मलाई भी डाल दी लेकिन वो मैंने टेस्ट के लिए डाली। तो यहाँ एक गिलास ही मैंने पानी डाला, बहुत ज़्यादा नहीं, एक गिलास भी भर नहीं रहा था। तो मुझे आज जो सब्जी बनानी थोड़ी गाढ़ी सी बनानी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी ऐसे नहीं बनानी, पतली सी, मतलब रोटी के साथ तो फिर वो गाढ़ी सी अच्छी लगती है, जैसा वो नहीं होता कढ़ाई पनीर वगैरह इस तरह की। तो खैर जी बना लो कोई सा भी पनीर, बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है हर चीज़ में, टेस्ट तो अच्छा ही आता है और सब खुश होकर भी खा लेते हैं। तो सब्जी मैंने दूसरी गैस पे पकने के लिए रख दी, तब तक मैं रोटी बनाना शुरू कर दी इधर, क्योंकि सब्जी में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, मैंने सोचा चलो जब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। और गुड ईशू भी आ गई थी, ईशू कह रही थी कि मम्मी भूख लग रही, क्योंकि बच्चे स्कूल में लंच वगैरह तो लेकर जाते, फिर हो भी जाता है टाइम, 1:30 बजे के लगभग आ गई थी ईशू, तो मैं कहा चलो जल्दी जल्दी बना दूँ। तो देखिए जी सब्जी बनके हो गई है तैयार, ये देखिए। और मैंने इसके पीस छोटे छोटे ही काटे थे, और ये जो पनीर होता है ये वाला पैकेट वाला, ये ना बहुत ज़्यादा फूल जाता है, तो ये देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया। और यहाँ हमारी सब्जी बस बन के तैयार होगी, गैस में बंद कर दूंगी, ऊपर से अब कर देती हूँ उसकी गार्निशिंग। और ये सब्जी आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, इसमें कितनी अच्छे से पक गई है, जो तेल है देखिए इसमें बिल्कुल ऊपर आ गया पक के, मतलब सब्जी हमारी बन के तैयार होगी एकदम होटल वाली, होटल वाली ढाबे पे मिलती है जो, है ना। और ऐसा तो गार्निशिंग करनी कर लो, करना तो ये ऐसे भी अच्छी लगेगी, लेकिन थोड़ी सी कर दो, है ना ईशू। और यहाँ देखिए मैंने ऊपर से कर दी है गार्निशिंग, सबसे पहले धनिया पत्ती डाल दी इसमें, उसके बाद जो थोड़ा सा पनीर रखा था मैंने वो कद्दूकस करके डाल दिया, और इससे इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा निकल के आया, मतलब खाने का टेस्ट जो है उसके साथ लुक देखने का सब्जी का उसका भी होना चाहिए, तो उससे और भी मतलब अच्छी लगती है देख के ही, सब्जी का लुक जो होता है उसे देख के। तो यहाँ देखिए सब्जी हमारी कितनी अच्छी बन के तैयार होगी। अब देखिए जी सब्जी का लुक,
हो गया ना डबल एकदम गार्निशिंग करते ही, और स्वाद तो खा के ही पता चलेगा। खैर लेकिन जब मुझे लग रहा देखने में अच्छी तो खाने में भी होगी उम्मीद है, बाकी मैं लगा दूँ। और ईशु हो रही है परेशान क्योंकि ईशु आ गई है स्कूल से, ईशु को लगी हुई है भूख। और मैंने बना दी है रोटी, बस सबसे पहले ईशु को, हाँ कान्हा जी को भोग लगाऊंगी मीठे के साथ, और ईशु को दूंगी पनीर के साथ, है ना। तो बस अब मैं फटाफट दे देती हूँ सबको, क्योंकि जैसे मैंने बताया ईशु परेशान हो रही, तो ये भी कन्हैया तो था ही यहीं पे ही लेट रहा था, तो फिर इसके पापा भी आ गए थे, बस मैंने तीनों को दे दी। कुछ रोटी मेरी रह रही थी, कुछ ही सेकी थी मैंने, बस दे कर फिर मैं फटाफट गरम गरम बस मैं देती रहूँगी। तो ये रेसिपी आप भी जरूर ट्राई करना, सच में ही आप अगर ये वाली रेसिपी मेरी ट्राई करोगे तो होटल भी जाना भूल जाओगे। देखिए जी अब गुड्डू भी आ गई, इसको लेके आई हूँ मैं, और आज इसका लास्ट पेपर था। तो जैसा सुबह तू प्रेशर से मैं गई थी, बहुत टेंशन में थी, अब क्या रिजल्ट है उसका? टेंशन पे से ना बहुत जैसा उतर गया। कैसा हुआ आज का पेपर? अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। तो उम्मीद नहीं थी, उम्मीद नहीं थी ना? नहीं जब मैंने तैयारी कर ली तब तो थी, फिर भी डर लग रहा था। आज असल में मैथ का था ना हार्ड पेपर, तो आता ही मैथ साइंस के पेपर में ज्यादा होती है चेकिंग, कहीं क्यों इन तो कौन लेके आता होगा कोई भी, और बहुत टाइम वो हो जाओ मैथ चेकिंग में बहुत टाइम चला जाए, है ना। अच्छा चलो जी, आज गुड्डू की टेंशन दूर होगी, अब गुड्डू फ्री है, अब इसे एक महीने का रेस्ट मिलेगा, अब नहीं कहने के सब पढ़ ले। बाकी अभी रिजल्ट बताओगा क्या है क्या नहीं। तो जैसा आज तेरा रिजल्ट आया ना, वो आज तेरा पेपर समाप्त हो गया, तो उस खुशी में हमने भी तेरे फेवरेट डिश बना दिया आज। देख भी लिया तो यह सबसे पहले, सबसे पहले यहाँ किचन में आ कर देखा मम्मी ने क्या बनाया मेरे लिए, हैं खुश होगी फिर देख के, हैं कई दिनों बाद खाएगी है अच्छा सा खाना। पता नहीं क्यों पेपर खत्म होने की वो खुशी नहीं हो रही जो होनी चाहिए, क्यों पता नहीं क्यों हो रही थी। अभी टेंशन रिजल्ट की होगी होगी बस, ऐसा ऐसा ही हो है पेपर का यही है। नहीं क्यों खत्म होगी, अभी तो 2 साल हो रहे हैं। हाँ 12th है, हाँ अब कोई कहीं जाएगा कोई कहीं चला जाएगा है। चलो चल मैं ला रही खाना, ठीक है चेंज कर ला जी। शाम का टाइम हो गया, और इधर देखिए हमारी चाय बनके तैयार होगी कड़क वाली, और ईशु ने बनाई है आज चाय, और ईशु बना के जा ली तो कह दिया मम्मी छान लो, तो मैं ले लेती हूँ मेरी और इसके पापा की है दोनों की चाय, क्योंकि इनको भी कोल्ड हो रहा है, 2-3 दिन से इन्होंने भी चाय पीनी शुरू कर दी। तो देखिए ये बन गई चाय, लो चाय ले। तो बीच में ही क्यों छोड़ी आई थी चाय को बना कर, छान के क्यों नहीं लाई थी है, बस छोड़ी आई। बिस्किट वगैरह आया नहीं, कुछ लाऊं मंगाऊं क्या इस ऊपर? सो फ्रेंड्स शाम का टाइम हो गया, और आशु का जिस डॉक्टर का इलाज चल रहा ना फेस का, जो स्किन का डॉक्टर है वो, उसके वहाँ पे जाना आज अपॉइंटमेंट है 5 बजे से 7 बजे 7 के बीच में कभी भी जाना, अब 5:30 के लगभग हो गए तो अब चल रहे जी हम। आपको बता दूं एक महीना से मैं जा नहीं रही, क्योंकि मंडे को ही जा रहे हैं, मुझे जाना था टेस्ट करवा के, और वो खाली पेट कराना था टेस्ट, वो टेस्ट नहीं हो पा रहा था आज, नहीं हो रहा था, याद ही नहीं रहता था, आज इसका टेस्ट हुआ, आज वो टेस्ट हो के रिपोर्ट भी आ गई, ये भी, तो आ जाओ। तो चलते हैं जी देख क्या बता रहे डॉक्टर साहब।